नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। पेश ने हुण तक दीआं खबरां। महाराष्ट्र ते हरियाणा विच आम विधान सभा अते देश दे कई होर सूबिआं विच जिमनी चोणां लई वोटां पलके पवाईआं जाणगीआं। इन्हां वोटां लई सारे प्रबंध मुकम्मल कर ले गए ने। महाराष्ट्र विच 288 विधान सभा सीटां ते हरियाणा विच 90 सीटां लई चोणां करवाईआं जा रहीआं ने। इन्हां दोहां राज्यां विच वोटां दी गिणती 24 अक्तूबर नूं कीती जावेगी। पलके पवाईआं जाण वालीआं वोटां विच महाराष्ट्र ते हरियाणा तों इलावा देश दे 17 सूबिआं विच पैंदीआं 2 लोक सभा सीटां ते 51 विधान सभा सीटां शामल ने। बिहार दे समस्तीपुर लोक सभा हल्के ते महाराष्ट्र दे 17 लोक सभा हल्के विच जिमनी चोण होणी है। इस तों इलावा उत्तर प्रदेश दे 11, गुजरात दे 6, केरल ते बिहार दे 5, सिक्किम दे 3, असाम ते पंजाब दे 4, तमिलनाडू, राजस्थान ते हिमाचल प्रदेश दे 2, ते उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, पुडुचेरी ते अरुणाचल प्रदेश दे 1-1 विधान सभा हल्के लई भी वोटां पवाईआं जाणीआं ने। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा ते बारामूला जिलों में कंट्रोल रेखा ते पाकिस्तान वल्लों कीती गई गोलीबंदी दी उलंघना दीआं ताज़ा घटनावां विच 2 भारतीय जवान ते 1 नागरिक की मौत हो गई है। एक औरत समेत 2 व्यक्ति जख्मी भी दसे जा रहे हैं। श्रीनगर विच सरकारी सूत्रों ने दसा कि बीती देर रात पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा जिले में पैंदे तीतवाल सैक्टर विच कंट्रोल रेखा ते भारतीय फौज दीआं अगलेरियां, चौंकियां अते रिहायशी इलाकियां नूं निशाना बना के अन्नेवा फायरिंग कीती, जिस विच 2 फौजियां समेत 3 व्यक्तियां दीआं जानां गईआं। पाकिस्तान वाले पास्यों मोर्टार दे गोले दागे गए ते ऑटोमैटिक हथियारों नाल अन्नेवाह फायरिंग की गई। यह सिलसिला अज तड़के 3 बजे तक जारी रहा। भारतीय फौज ने गोलीबंदी की उलंघना की इस घटना का मुंह तोड़ जवाब दिता। जख्मियों नूं हस्पताल विच दाखिल करवाया गया है। अधिकारी ने यह भी दसिया कि पाकिस्तान वालों की गई फायरिंग विच कोई 1 दर्जन मकानों नूं नुकसान होया। 1 गोला गऊआं दे 1 शैड विच डिगण कारण 6 पशु भी मारे गए। एजेंसी खबरां अनुसार रिहायशी इलाकियां विचों लोकां नूं सुरक्षित थावां ते पहुंचाण लई ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस तों इलावा पाकिस्तानी फौज वालों बारामूला जिले में उरी खेतर के हाजीपुर सैक्टर विच भी फायरिंग की गई ते मोर्टार के गोले दागे गए। इत्थे भी फौजी चौंकियों तों इलावा सिविल इलाके नूं निशाना बनाया गया। भारतीय फौज ने फायरिंग का जवाब दिता ते पाकिस्तानी बंकरां नूं तबाह किया। उरी विच होई गोलीबंदी की उलंघना विच किसी तरह के जानी जां माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान वल्लों अज कुपवाड़ा अते बारामूला जिलों विच बिना भड़काहट दे कीती गई गोलीबंदी दी उलंघना तों बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करदिआं पाकिस्तान दे कब्जे वाले कश्मीर विच LOC नेड़े अतवादियों दे घट्टो घट्ट 3 कैंपां नूं तबाह कर दिता। सरकारी सूत्रों ने श्रीनगर विच दस्या कि भारतीय फौजी पाकिस्तान दे कब्जे वाले कश्मीर विच दाखल नहीं होए अते एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं सी। उन्होंने दस्या कि अजे इस बारे कोई जानकारी नहीं है ते भारत की जवाबी कार्रवाई समय इन्हां कैंपां विच किन्ने अतवादी मौजूद सन। पाकिस्तान पिछले कुछ समय तो LOC तो भारत वाले पासे अतवादियों की घुसपैठ कराने लई फायरिंग का सहारा लैंदा रहा है। इस बार भी पाकिस्तान ने अजिहा ही कुछ करने की कोशिश की पर वह कामयाब नहीं हो सकया ते उसनूं मूंह दी खानी पई। श्री गुरु नानक देव जी दे 550 साल गुरपुरब के संबंध में 22 अक्तूबर 90 राजदूतों लिए अमृतसर विखे श्री हरिमंदर साहब के दर्शनों का प्रबंध किया गया है। इसका मकसद भारत वालों अंतरराष्ट्रीय पद्धर से पहली पातशाही गुरु नानक देव जी सिख्यावां का प्रसार करना है। इन्हां राजदूतों लिए दौरे का प्रबंध सभ्याचार संबंधा बारे भारतीय कौंसल ICCR विदेश मंत्रालय पंजाब सरकार ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किया जा रहा है। राजदूतों के इस समूह की अगवाई शहरी विकास बारे राज मंत्री हरदीप सिंह पुरी करनगे। एक विशेष जहाज द्वारा इन्हां राजदूतों नूं विरासती शहर अमृतसर लिजाया जाएगा जिथे पंजाब के रवायती लोक नाचों की पेशकारी नाल इन्हां नूं जी आया आख्या जाएगा। इन्हां 90 देशों के राजदूतों में मुसलमान देशों तो लैके अफ्रीकन देशों के नुमाइंदे शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के बुलारे ने नवी दिल्ली दस्या कि इस विच संयुक्त अरब अमीरात, इराक, इजराइल, इंडोनेशिया जिहे कई देशों के राजदूत शामिल ने। रांची विच खेडे जा रहे भारत ते दक्षण अफ्रीका विचाले 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की लड़ी के तीजे ते आखिरी मैच के दूजे दिन अज भारत ने अपनी पहली पारी 9 खिडारियों पिछे 497 दौड़ों के स्कोर ते समाप्त ऐलान दी। भारत वालों रोहित शर्मा ने दोहरा सैकड़ा जड़द्या 212 दौड़ों का योगदान पाया।
ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਿਹਾਨੇ ਨੇ 115 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ 5 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੋਪੇ ਤੋੜ 31 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਰਿਧੀਮਾਨ ਸਾਹਾ ਨੇ 24, ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 14, ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 12 ਤੇ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ ਨੇ 4 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਰਬਾਡਾ ਨੂੰ 3, ਨੋਟਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੀਰਟ ਨੂੰ 1-1 ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ। ਪਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀਨ ਇਲਗਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੌੜ ਬਣਾਏ ਸ਼ਮੀ ਹੱਥੋਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਡੀ ਕੌਕ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਫਲਤਾ ਦਵਾਈ। ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਖੇਲ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 488 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੋਰ 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 224 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 273 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।